गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। और आज फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ हैं बॉलीवुड सिंगर जुबैर हाशमी। जुबैर सुल्तानपुर में जन्मे हैं, वहीं थैंक यू सो मच। और अपनी जो संगीत की शिक्षा है बहुत बचपन में इन्होंने लेनी शुरू कर दी थी, और इनके पहले गुरु स्वयं इनके पिता थे। जुबैर के बारे में हम जानेंगे उन्हीं से, तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं। जुबैर, आपका बहुत स्वागत है फेसबुक लाइव सेशन में। नमस्कार अंशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जितने लोग भी सुन रहे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जुबैर, सबसे पहले तो अभी आप वही हैं जहाँ सुल्तानपुर अपने गांव में, लॉकडाउन क्योंकि चल रहा है तब से आप वहीं पर लॉक हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वहां पर? बहुत जी, समय जी, बाद सही इतना बात। वक्त मिला होगा कि फिर से आप गांव की यादों को ताजा कर रहे हैं। हाँ, लॉकडाउन में फंसा तो नहीं हूँ, मैं अपने घर पे हूँ, अपने गांव में हूँ। बहुत जमाने बाद मैं इतना लंबा रुक पाया हूँ अपने गांव में, और बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लग रहा है कि परिवार के बीच में इतना इतना दिन टाइम मैं बिता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। म्यूजिक भी करता रहता हूँ साथ साथ में। अब मुंबई के हिसाब से यहाँ की लाइफ थोड़ी स्लो है, लेकिन बहुत अपनापन लगता है कि जो इतने दिनों का स्ट्रगल था बॉम्बे में अकेले बिताया, अब घर में हूँ, बहुत जमाने बाद ये मौका आया है कि मैं एक साथ हूँ 4 महीने से, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। चलिए, तो जो बचपन में आपने संगीत की शुरुआत की थी वो आपके पहले गुरु आपके पिता रहे और जी उस्ताद मोहम्मद वसीम हाशमी, वसीम हाशमी साहब जी, मेरे पहले गुरु। तो कैसे वो संगीत से जुड़े थे और आपने उन्हें गाता हुआ देखकर अपनी संगीत की जिज्ञासाओं को उनके साथ जोड़ा, किस तरह से आपने शुरुआत की? मेरी जो शुरुआत हुई है अंशु जी, बहुत बचपने से हुई थी। जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था तो मैं म्यूजिक पापा के जरिए समझने की कोशिश करता था। पापा जब भी रियाज करते थे तो मैं उनके पास आके बैठता था, उनके हारमोनियम को सुनता था, उनके गाने को सुनता था, तो मुझे बड़ा पसंद आता था पापा का गाना, पापा का तरीका, जिस तरीके से वो गाते थे। वो धीरे धीरे मेरा शौक बढ़ा, फिर पापा मुझे प्रोग्राम में साथ में लेके जाने लगे, और फिर वहां मेरा मतलब मुझे भी गाने का मन करता था बचपन से ही, तो पापा मुझे स्टेज भी देने लगे बचपन में। तो मैं ये कहूंगा कि मेरी जो शुरुआत हुई है म्यूजिक की, वो मेरे वाले साहब की ही वजह से हुई है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ तो मुझे 7 साल की उम्र में पद्म विभूषण, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, उस्ताद अब्दुल रशीद खान साहब से उन्होंने डंडा बनवाया मुझे, जो कलकत्ता विजिटिंग प्रोफेसर थे ITC SRA में, तो उनके साथ मैं 7th स्टैंडर्ड में जब था तो उन्होंने मुझे तालीम देना शुरू किया। फिर धीरे धीरे बढ़ा, बनारस आया, बनारस में मुझे बहुत बड़े गुरु से सानिध्य मिला। फिर दिल्ली आया, वहां भी मेरे उस्ताद से सानिध्य मिला। फिर बॉम्बे में गया, वहां भी मेरे गुरुजी से मुझे सानिध्य मिला। लखनऊ भी गया, तो ऐसा म्यूजिक मेरे साथ हमेशा मुझे ब्लेस करता रहा, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे गुरुओं के साथ मैंने उठना बैठना शुरू किया, और मुझे बहुत अच्छी तालीम मिलने लगी फिर। चलिए, आज सावन का महीना शुरू हुआ है और पहले ही दिन हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, तो जी बहुत बहुत सबको, सभी को सावन मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं सावन की। भगवान शिव शंभू सब पे अपनी असीम कृपा बनाए रखें, मुझ पे भी बनाए रखें। मैं भी बहुत बहुत, मैं उनकी रचनाओं को गाता भी हूँ स्टेज पे, जब मुझे मौका मिलता है तो मैं डेफिनेटली सावन के कुछ चीजें सुनाता हूँ लोगों को। अरे बहुत खूबसूरत बात है ये तो, और क्योंकि सावन और संगीत का एक कनेक्शन रहा है हमेशा ही, क्योंकि गिरती हुई बूंदों में ही खुद, गिरती हुई बूंदें ही खुद अपने आप में एक संगीत में, एक लय में गिरती हैं। तो हम भी चाहेंगे कि 2 लाइन आप गुनगुनाएं, फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, मैं 2 लाइन सुनाता हूँ, ये खमाज में इसकी बुनियाद है, और मैं ये बहुत फेमस भजन है, तो मैं आज सावन के उपलक्ष में सबको सुनाता हूँ भगवान शंकर जी की। आ
डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाते बोला भोला, डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे बोला बोला, दिमिक दिमिक। तो ये दो लाइन पेश कर रहा हूँ मैं आप सभी को। बहुत ही सुंदर भजन, और जब भी हमें मौका मिलेगा, जब ये सारा लॉकडाउन हटेगा, तो हम चाहेंगे कि सिर्फ दो लाइन नहीं, एक पूरा प्रोग्राम हम आपका बैठकर सुने। मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से ये वैश्विक महामारी चली जाए और हम फिर से अपने अपने म्यूजिक को लोगों तक सुनाएं। अभी तो जरिया सिर्फ फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तब हम लाइवली मैनुअली सबको सुना सकते हैं, उसमें एक अपना अलग एक मजा है महफिल का। जो टीवी पे शुरुआत हुई थी जुबैर आपकी, कि जी जी जी, रायबरेली के मंच से या सुल्तानपुर की गलियों से निकल के आप रायबरेली के मंच की भी कुछ बचपन की आपकी यादें हैं ऐसा? जी 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 जी, मेरे हाँ, मेरे जो हाँ मेरे जो उस्ताद अब्दुल रशीद खान साहब, जो दुनिया में नहीं रहे बाबा, वो जब 99 इयर्स ओल्ड के थे, तो प्रभु टाउन एक जगह है रायबरेली में, वहां एक फंक्शन हुआ करता है, आज भी होता है, तो उसमें बाबा का गाना था, और उसमें हम लोग की बाबा के साथ हम सब पीछे बैठे हुए थे, तो बाबा ने मुझे वहां पे पहली बार अपने साथ गवाया, और इतनी मुश्किल वो विधा थी, मैं आपको सुनाता हूँ। दीवाना की शान क्या जादू डाला, दीवाना की शान क्या जादू डाला, दीवाना उस गलियन में आना ना जाना, हमसे करे बहाना, क्या जादू डरा दीवाना। तो ये हम लोग को उन्होंने वहां पे गवाया था। थैंक यू गुलजार हुसैन साहब, देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। बिल्कुल गुलजार हुसैन साहब देख रहे हैं आपको, और जो इतनी खूबसूरत बंदिश में आप डुबा देते हैं, और फिर से मुझे सवाल पे आना पड़ता है, तो थोड़ा सा बुरा लगता है मुझे कि संगीत ऐसी सॉरी एक बार डूबो तो डूबते चले जाओ। अरे सॉरी सॉरी, एक्चुअली वो छोटी छोटी चीजें याद आती है, तो गाने में मजा भी आता है थोड़ा। नहीं नहीं बिल्कुल, आज की मैंने आपका अभी एक थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप स्टेटस देखा था, आपको सांप नजर आया, कुछ घटना घटी थोड़ी देर पहले आपके साथ, क्या क्या हुआ? बताता हूँ आपको, एक्चुअली 3:30 के तकरीबन मैं अपने दरवाजे के सामने, थोड़ी ग्रीन ग्रासेस भी मेरे दरवाजे के सामने हैं, तो मैं वॉक कर रहा था, और एक कोई कॉल आया था, तो मैं बात कर रहा था, तो इतने में देखा कि मेरे 5-6 मीटर या 3-4 मीटर दूरी पे एक ब्लैक कलर का सांप जो है वो मेरे तरफ बढ़ा है कि कहीं भाग रहा था, और मैं देख के इतना डरा हूं, लिटरली मैंने अपनी माँ को याद किया और भाग के अंदर आ गया, क्योंकि ये, और फिर मैंने उसको स्टेटस लगाया अपने व्हाट्सएप पे कि आज मैंने ऐसा देखा, तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि आपको साक्षात शंकर जी का आज दर्शन हो गया, आज के दिन, मतलब आज सावन का पहला दिन है, तो मैंने इसको पॉजिटिव लिया, मैंने कहा थैंक यू सो मच, अगर ऐसी बात है तो प्लीज मैं ब्लेस्ड हूं अगर ऐसी बात है, क्योंकि मैं तो चाह कर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, जानवर को तो जानबूझ के, वैसे भी मुझे बहुत पसंद है जानवर, हर तरीके के जानवर, बहुत कभी किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, तो आपको तकलीफ क्यों देंगे, तो मैंने पॉजिटिव वे में मैं उसको लेके गया कि चलो ठीक है, ये ब्लेस्ड है ऊपर वाले की तरफ से, तो मैंने कहा थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हम हर चीज, क्योंकि जैसा हमारा नजरिया होता है वैसे ही हमारे लिए सृष्टि भी हो जाती है, तो थिंक पॉजिटिव, अच्छा ही जी, मैंने पॉजिटिव सोचा है। जी जी
अच्छा, अब जब आप टीवी पे आए तो टीवी पर एंट्री कैसे, आपने क्या स्ट्रगल हुआ उसके पीछे और कैसे शुरुआत हुई टेलीविजन पर आपकी? पहला, सबसे पहला रियलिटी शो मेरा अंशु जी हुआ, एक फोक चैनल था महुआ चैनल, अगर आप सबने नाम सुना हो जी। तो उस चैनल पे मेरा एक रियलिटी शो आता था जो गज्जी प्रोड्यूस करते थे, गजेंद्र सिंह प्रोड्यूस करते थे, उसका नाम था सुर संग्राम। वो 2009 की बात में बता रहा हूँ, मेरा फर्स्ट रियलिटी शो फोक चैनल में मैंने पार्टिसिपेट किया और उसमें मैं टॉप 6 यूपी में तक गया भी। और मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तब मेरे वाले साहब जिंदा थे और वो मतलब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वो पूरे कम्युनिटी में अपने जितने भी उनके जान पहचान के लोग हैं सबको बोले कि आप प्लीज ये चैनल आप इसको तुरंत सब्सक्राइब करें और तुरंत इसको देखें, मेरा बेटा गा रहा है। तो इतनी खुशी हुई पापा को और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि पापा फर्स्ट टाइम में टीवी पे आया हूँ, इतने बच्चों में सिलेक्ट होके आया हूँ। तो वहां से मेरा सिलसिला शुरू हुआ टीवी का। फिर 2013 में मैंने भारत की शान किया, वो भी गज्जी का ही था। फिर 2016 में मैंने किया सारेगामा पर, जो मेरा ड्रीम था सारेगामा में जाने का, वहां भी मैं फाइनलिस्ट रहा इंडिया में, टॉप 10 सिंगर्स में रहा। फिर मेरा हुआ 2019 में राइजिंग स्टार में हुआ, जो कि कलर्स पे आता था, जिसमें शंकर महादेवन जी, दिलजीत दोसांझ जी और निधि मोहन जी वहां जस्ट थे। तो वहां भी मैंने पार्टिसिपेट किया और ऐसा सिलसिला शुरू हुआ। फिर बीच में मुझे मौका मिला तो मीका पाजी के साथ भी मेरे अच्छे गाने आने लगे, 2-3 गाने बहुत अच्छे उन्होंने प्रोड्यूस किए, उन्होंने उसको रिलीज भी किया। फिर यही मौका मिला, विशाल डडलानी जी ने मुझे बुलाया और सुल्तान का टाइटल ट्रैक भी गाने का मौका मिला हम लोगों को, सब 4-5 सिंगर्स को। तो अभी भी बहुत सारी चीजें लाइनअप है, देखिए आएंगी। तो ये रियलिटी शो से लेके प्लेबैक तक का ये सफर रहा। विजय गोलचा जी नमस्कार, कैसे हैं? ये भी हमारे विजय हमारे बीच की कड़ी हैं, यहाँ पर हमारी बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। विजय जी मेरे बिल्कुल बड़े भाई जैसे हैं, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मानता हूँ और मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं हर तरीके से, बहुत पॉजिटिव इंसान है। तो हम ब्लेस्ड हैं कि आप जैसे लोग हमारी लाइफ में हैं। बिल्कुल, विजय का बहुत जो ज्वेलरी का काम है उतना ही इनका पर्सनालिटी भी शाइन करती है। जी बहुत ही कमाल के है, बहुत ही स्मार्ट है, हैंडसम इंसान है, उससे अच्छे दिल के बड़े अच्छे हैं। जया राय जी हमारे साथ, वो कह रही हैं आप गाना सुनाइए। जया राय जयपुर की एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशनिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ाती हैं। तो अब सावन आ रहा है तो जया जी आपके लिए गाना गा रहा हूँ, एक बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम सजना अदना फूले खिलेंगे, नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सासों की ले मदम चले मुँह से कहे बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम सजना अंगना फूले खिलेंगे। थैंक यू आपको, थैंक यू कह रही हैं और थैंक यू सो मच जया जी। रियलिटी शो का जो स्ट्रगल होता है जुबैन, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगी ताकि जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं और जो वहां जाना चाहते हैं लोग, उनको कुछ चीजें क्लियर हुए
कि क्या स्ट्रगल है, कितना आप इमोशनली टूटते हैं, कितना आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। देखिए अंशु जी, रियलिटी शो का जो एक मैं ये कहूंगा कि पूरी एक पूरी स्ट्रेटजी होती है इनकी, मतलब कि पूरा एक स्टोरी होता है। जैसे आपको सिलेक्ट किया गया जयपुर से, अब आपको जयपुर से सिलेक्ट किया गया तो पहले आपकी स्टोरी बिल्ड करेंगे वो लोग कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, कैसे घर से बिलोंग करती हैं, कितना मेहनत किया होगा आपने, आपके परिवार में कौन म्यूजिक से इन्वॉल्व है, ये सब जानने के बाद एक स्टोरी क्रिएट होगी। उसके बाद आप टैलेंटेड होंगे तभी तो सिलेक्ट होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जब आपकी स्टोरी बिल्ड हो जाएगी तो वो स्टोरी को पॉजिटिव वे में पूरी हिंदुस्तान की जनता, पूरी दुनिया की जनता के सामने रखा जाएगा। जैसे मुझे कहा गया था सारे गामा पा में कि मैं 7 सालों से अपने घर नहीं गया, ये मेरी स्टोरी थी। और राइजिंग स्टार में मेरी स्टोरी थी कि मेरी माँ को मुझे हज कराना है, तो दोनों स्टोरी सही थी, स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो है कि वो स्टोरी आपके पर्सनालिटी पे सूट करे और आपके गाने को पॉजिटिव वे में ले जाए। ये तो रही आपके सिलेक्शन और ना सिलेक्शन की बात। अब देखिए सीधी सी बात है कि अगर आप टैलेंटेड हैं तो डेफिनेटली आपके आपके लिए सब लोग, पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी। अगर आप टैलेंटेड नहीं है तो आप एक एपिसोड से ज्यादा नहीं चल सकते हैं रियलिटी शो में, और वहां पे आप सिर्फ टैलेंट देखते हैं लोग। टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। गुलजार साहब कुछ बोल रहे हैं, जुबैर भाई म्यूजिक म्यूजिकल फैमिली से बहुत कुछ सीखे, सिंगर है, क्लासिकल लाइट बॉलीवुड खूब अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार भाई, आप भी बहुत कमाल के आर्टिस्ट थे और आपके साथ एक बार मौका लगा था जयपुर क्लब में गाने का, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बहुत बाकमाल आर्टिस्ट हैं आप, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच भाई। तो ये मैंने आपको बताया अंशु जी, रियलिटी शो का ये मसला है कि अगर आप टैलेंटेड हैं। देखिए पहले मैं हार्ड कोर क्लासिकल गवैया था, मैं ये कह सकता हूँ था, अभी भी गाता हूँ, लेकिन स्टेज पे मैं जब क्लासिकल की महफिल होती है तो क्लासिकल गाता हूँ, बॉलीवुड की जब महफिल होती है तो प्रॉपर बॉलीवुड गाता हूँ। तो मेरे मेरे जहन में और मेरे गुरुओं ने मुझे यही सिखाया था कि बेटा हमेशा चौमुखा गवैया बनो, मतलब हर तरीके का गाना बजाना आपको आना चाहिए। मैं फोक भी गाता हूँ, मैं भजन भी गाता हूँ, मैं ठुमरी भी गाता हूँ, कोशिश करता हूँ, बाकी तो सुर लगने वाला तो ईश्वर है, मालिक है, सुर लगवा दे तो बहुत बड़ी बात। ख्याल गाता हूँ, टप्पा गाता हूँ, दादरा गाता हूँ, सोज गाता हूँ, भजन, मतलब जो भी जॉनरा है मैं कोशिश करता हूँ गाने की आप सबके आशीर्वाद से, और आप सबको पसंद आता है। बॉलीवुड भी गाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कमर्शियल गाना एक क्लासिकल सिंगर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब कमर्शियल गाना बाहर आता है तो लोगों को लगता है कि यार ये बहुत अलग चीज, अलग साउंड कर लग रहा है इस आर्टिस्ट का सुनने में। तो हम लोग भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कोई हार्ड कोर, जैसे राशिद खान साहब है, उनसे अच्छा क्लासिकल गवैया तो अभी हिंदुस्तान में कोई नहीं, और वो जब गाते हैं अयो प्याजे अंगना हमारे भर लो मैं बैया है अंगलग त्यार, ओ अंगलग त्यार, और वो भी गाते हैं कैसे इश्क से सज गई राहें जब से देखी है तेरी निगाहें, या खुदा मैं तो तेरा हो गया तू जो करम फरमाए। वो भी ये जब गाते हैं तो अलग साउंड करते हैं। तो हर आर्टिस्ट की अपनी एक क्वालिटी होती है कि वो क्या चीज बखूबी पेश करता है जनता के सामने। संगीत बहुत बदल रहा है पुराने समय से, अगर हम पर्टिकुलर फिल्म संगीत की भी बात करें तो वहां पर भी हमने बहुत बदलाव देखे हैं, चाहे हम शब्दों पे जाएं चाहे हम सुरों पे जाएं, तो जी दोनों में ही बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हैं। अब ना वैसे शब्द मिलते हैं सुनने में, ना वैसे सुर भी मिलते हैं जिन्हें हम कहते थे कि कर्णप्रिय संगीत, जिसे हम कहते थे, जिसे हम आज भी सुन के रिलैक्स होना चाहते हैं, वो संगीत आज का नहीं होता, वो हम पुराना संगीत ही सुनते हैं। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही। हाँ आप बिल्कुल सच बोल रही हैं। देखिए मैं, मेरा जो ओपिनियन है, जो मेरा मानना है, वो पुराने म्यूजिक में जो दम था, पहले लोग मन की शांति के लिए म्यूजिक को फील करते थे, आजकल तो कमर्शलाइज हो गया सब कुछ। मतलब आज तो 10 मिनट में गाना बन जाता है और आधे घंटे में प्रोड्यूसर के पास जाता है और 1 घंटे बाद रिलीज हो जाता है। लेकिन जो पक्का गाना है, जो बुजुर्गों ने हमारे गाना बजाना किया है, उसको सुनने में ही आपको बहुत समय लगेगा,
गाने बजाने की तो बात ही बहुत बहुत दूर की है। तो मेरा ये मानना है, एक बड़ा अच्छा शेर मेरे वाले साहब पढ़ते थे कि ये माना कि रियाजे इल्म से निखरता है हुनर, बहुत काबिले गौर शेर है ये, मैं चाहता हूं कि आप इसे गौर फरमाएं कि ये माना कि रियाजे इल्म से निखरता है हुनर, पर हो जिस पे खुदा मेहरबान कनेक्शन कट गया शायद। हाँ जुबैर, आप एक बार शेर फिर से सुनाएंगे तब होगा, क्योंकि मुझे लगा कि वहीं पर हमारा कनेक्शन कट गया। हाँ, ये माना कि रियाजे इल्म से निखरता है हुनर, ये माना कि रियाजे इल्म से निखरता है हुनर, पर हो जिस पे खुदा मेहरबान वही फनकार होता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही उम्दा बात कही, क्योंकि उसकी मेहरबानी के बिना इंसान पता नहीं है। हम अपना जी हम अपना गाना बजाना प्रैक्टिस से निखार सकते हैं, लेकिन जो ब्लेसिंग्स खुदा भगवान ईश्वर की होती है एक आर्टिस्ट की तरफ से, वो अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मेहनत नहीं करते वो आर्टिस्ट नहीं है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स भी बहुत जरूरी है। और ब्लेसिंग तब आती है जब अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने उस्तादों की खिदमत करें, अपने गुरुओं की खिदमत करें, तब आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे आर्टिस्ट बनते हैं। बहुत ही सुंदर बात आपने कही। और अगर फिल्मों की जो हम बात करें, सुल्तान फिल्म में आपने गाना गाया है, तो जी जी वो जो जी गाना है, उस गाने की कुछ लाइनें हम आपसे सुनेंगे, और उसके बाद जो मेरा सवाल होगा वो ये होगा कि इसके बाद बॉलीवुड में आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं आपकी, बिल्कुल, और किस क्षेत्र में आप बिल्कुल, काम बिल्कुल। करना चाहते। जरूर अंशु जी, तो वो गाना ये था कि खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान। तो इस गाने को हम और एक मेरा दोस्त है शहजाद और शादाब फरीदी भाई और सुखिंदर पाल जी, विशाल शेखर दोनों जी, ये सब मिलके हम यशराज में रिकॉर्ड कर रहे थे। अब अनफॉर्चुनेटली ये मेरा इसमें नाम मेंशन नहीं हुआ, लेकिन विशाल सर ने मुझे बोला था कि ये गाना रिलीज होने वाला है सुल्तान में, और हम लोग बहुत खुश हुए थे, हमारा पहला प्लेबैक था, हम बहुत बहुत ज्यादा खुश थे। और ड्रीम ये था जो पूरा हुआ कि यशराज में हमने रिकॉर्ड किया वो गाना, पहली बार माइक के सामने यशराज में गया और वहां सलमान भाई के लिए हम लोगों ने अपनी आवाज दी। अब आपकी क्या प्लानिंग्स हैं बॉलीवुड में, किस अब मेरी प्लानिंग ये है कि मैं, जो मेरा ड्रीम है कि मैं, कुछ कंपोजर्स हैं जिनके साथ मैं चाहता हूं कि काम करूं और अपनी आवाज को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल बनाऊं, और मुझे पता ही नहीं था। थैंक यू सो मच दया जी, थैंक यू, हाँ थैंक यू सो मच। नहीं, हम सबने मिलके गाया है, काफी सिंगर्स हैं इसमें। हाँ, तो मेरा ये प्लानिंग है इन फ्यूचर में कि मैं बड़े बड़े कंपोजर के साथ, जो मेरे ड्रीम कंपोजर्स हैं, मैं उनका नाम भी मेंशन करता हूँ, शंकर महादेवन जी बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत ही मतलब लेजेंड लोग हैं, लेजेंडरी लोग हैं ये लोग, रहमान साहब, प्रीतम दा, विशाल शेखर, ये सब के साथ मुझे, मेरा ड्रीम है कि मैं इनके साथ कुछ काम करूँ, वर्क करूँ, और ये ड्रीम मैं चाहता हूँ कि आप सब दुआ करें जल्द से जल्द पूरा हो जाए और मैं अपने ड्रीम तक पहुंचूं। और सिर्फ गाना गाना है, गाना को जीना है, गाने के लिए मेहनत करनी है और मेहनत करना है, और वेस्टर्न इंडियन सब पे मेहनत करना है, एक्सपेरिमेंट करना, जैसा मैंने आपको बताया, एक्सपेरिमेंट इज वेरी मस्ट एवरी सिंगर्स, एवरी आर्टिस्ट के लिए बहुत, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत मुश्किल एक्सपेरिमेंट है ये अंशु जी। आपने बांसुरी को बचते हुए कभी देखा होगा, 100% देखा होगा, तो जब उससे उंगलियां फ्लक्चुएट होती है ना, तो उस उंगलियों का जो थिरकना होता है उसको मैं अपने गले से निकालने की कोशिश करता हूँ कि कैसे वो बांसुरी का इफेक्ट अपने गले से निकलता है। मैं आपको चाहता हूँ सब जनता इसको जरूर अप्रिशिएट करे, बहुत मुश्किल काम है। बसुरिया
बजे के बसुरिया बजे के मोरा मन मोहनी नो बाके बिहारी ने हाय राम कैसा जादू तो नगिनो। अब देखिए बसुरिया बजे के, तो ये जो हरकत है ये बहुत मुश्किल है, ये जो उंगली फ्लैक्चुएट होती है ना बांसुरी पे वो गले से निकालना, तो ये एक्सपेरिमेंट किया, मुझे बहुत मजा आता है एक्सपेरिमेंट करने में। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। नहीं बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट करने से ही हम कुछ नई चीजें सीख पाते हैं और उसी में हम क्रिएटिव सोल्स जो होती हैं वो हमेशा एक्सपेरिमेंट में ही विश्वास रखती हैं। हमारी ऑडियंस के लिए एक लाइन हो जाए, बोर भी हो रहे होंगे वो लोग। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो शायद फिर से जन्म ने मुलाकात हो न हो, लग जागने के फिर ये हसी रात हो न हो शायद फिर से जन्म ने मुलाकात हो न हो, लग जागने। थैंक यू गुलजार भाई, थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत, आपने 2000 से ज्यादा रियलिटी सॉरी स्टेज परफॉर्मेंस लाइव परफॉर्मेंस दी है मेरे हिसाब से। जी है, मतलब देश विदेश मिला के। हाँ, देश विदेश सब मिला के 2000 से ज्यादा लाइव परफॉर्मेंस देना अपने आप में एक अचीवमेंट है, मैं ये कहना। ये सब मेरे गुरुओं का, मेरे माँ बाप की दुआओं का असर है, आप सबका आशीर्वाद है, बस कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा करता रहूँ बस। हाँ नहीं इंशाल्लाह, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा, क्योंकि आपकी आपके सुरों में ना वो बहुत एक डेप्थ है और एक ताकत है जो आगे आगे जाएंगी, मतलब मैं आई एम श्योर अबाउट दिस। थैंक यू सो मच अंशु जी। मैं वैसे बताना चाहता हूँ कि 4 महीने से, पिछले 4 महीने से जब से ये लॉकडाउन और ये कोरोना आया है, मिजाज से गाना बजाना तो बहुत बहुत दिनों के बाद आज कर रहा हूँ, मतलब आज कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आदमी उलझा रहता है, कोरोना है, ये है, वो है, लॉकडाउन है, इतने लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, तो ये सब भी सोचना होता है। म्यूजिक तो है ही है, अब यहाँ पे ऑडियंस अलग है, हमारे गांव में, शहर में, बॉम्बे की ऑडियंस, दिल्ली की ऑडियंस, जयपुर की ऑडियंस बहुत अलग है, उनको अलग अलग तरीके के सब फ्लेवर सुनना चाहते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर एक फ्लेवर सुनना चाहते हैं लोग मेरे शहर में, मेरे गांव में, तो आदमी का जहन बढ़ जाता है कि वो प्रेजेंट क्या करे, इसलिए मैं हर तरीके का गाना गाता हूँ कि ताकि सबको पसंद आए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि संगीत में तो वो शक्ति होती है कि जैसे एक दोहा मैं हमेशा बोला करती हूँ कि संगीत है शक्ति, स्वर की हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागिनी रोगी को मिले आराम। म्यूजिक तो एक फीलिंग का काम करता है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मैंने इसलिए इस लाइन को गाया कि मुझे कंपोजिशन इतनी पसंद है कि आपने जैसे राम जी का नाम लिया मैंने शुरू कर दिया, मुझे बहुत पसंद है ये कंपोजिशन,
हाँ नहीं, ये वाकई में बहुत खूबसूरत कंपोजिशन है, और अभी पिछले दिनों में जब रामायण प्रसारित हुआ तो ये फिर से एकदम हिट लिस्ट में आ गया है। जी आप नई जनरेशन को, बच्चों को म्यूजिक हाँ, सिखा भी जी जी, मेरे देश विदेश में आई थिंक 100 से ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा गा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से वो म्यूजिक को समझते हैं, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बड़े अच्छे स्टूडेंट मिले हैं। मतलब बहुत बिगिनर्स नहीं है, जो गा रहे हैं वो थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। मेरे हम लोग के घराने में गले को देख के गाना सिखाते हैं, जो घराना जिस घराने से बिलोंग करते हैं हम लोग, तो हम लोग समझ जाते हैं कि इनको जो भी शख्स गा रहे हैं सामने, फीमेल हो चाहे मेल हो, इनको ऐसी क्या चीज बताई जाए जिससे इनका गला जो है वो इम्प्रूव हो और ये अपने गाने को अच्छे और अच्छे से और डेप्थ में ले जाके लोगों को सुनाएं और उनसे तारीफ, उनसे आशीर्वाद लें। जुबैर आपसे बात करके खत्म नहीं करूंगी मैं, क्योंकि अगर आप संगीत की महफिल चलाए रखेंगे तो ये प्रोग्राम भी चलता रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दो बार बोलूंगी और आप फिर दो बार गुनगुनाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, मैं म्यूजिशियन तो कभी रुकता ही नहीं, म्यूजिक की जहाँ बात होती है, और आप जैसे लोग सुनने वाले इतने प्यारे हो और निचोड़ के सुने तो मजा आता है। तो क्योंकि संगीत मेरे लिए भी ऐसी ही चीज है कि मेरे स्ट्रेस बस्टर है मेरे लिए, मेरे को रिलैक्सिंग करने के लिए, और मैं खुद भी कभी कभी गुनगुना लेती हूँ, मुझे मजा आता है। मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने आपको सुना भी है सामने से, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए क्या होता है कि आप लोग आर्टिस्ट को समझते हैं कि आर्टिस्ट का जो मयार है वो क्या है। मैं देखता हूँ फेसबुक पे लोग गा रहे बजा रहे, बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी भी है लोगों तक अपनी आवाज अपने टैलेंट को पहुंचाना, लेकिन आप वो प्रेजेंट कीजिए जो 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 ऑडियंस चाहती है। मेरा मन है गाने का तो मैं अपने मन के हिसाब से नहीं गा सकता हूँ। अंशु जी क्या चाहती है सुनना, मेरा दायित्व है कि मैं पहले उनकी जो भी उनकी इच्छा है वो मैं पहले पूछूं कि आप क्या सुनना चाहती हैं। अंशु जी मैं जो गाता हूँ वो तो मैं कभी भी सुन लूंगा। अब मैं मुझे पसंद है तत्ती रो रो मैं बात निहारा कदी सावन मोड़ मुहारा, ओ सावन मोड़ मुहारा, ओ सावन मोड़ मुहारा, सा मेरा गाने का तो मन ये है, लेकिन अंशु जी को सुनना है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तो ऑडियंस के हिसाब से, हमारे जनता के हिसाब से हमें गाना चुनना चाहिए और गाना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा संदेश है आपका, क्योंकि ज्यादातर कलाकार इस बात को ध्यान जानते हुए भी कई बार इग्नोर कर जाते हैं, और फिर वो ही कनेक्टिंग नहीं बन पाती है ऑडियंस और एक सिंगर के बीच की। तो जुबैर आपसे बात करके बहुत ही मजा आया, और चलते चलते मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे क्या सुना, मेरे लिए क्या डेडिकेट करके सुना, आप जो बताएंगे, आप मुझे जो कहेंगी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी फरमाइश को पूरी कर सकूं। प्लीज आप बताइए। जगजीत साहब की कोई भी गजल के साथ हम बिल्कुल तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ना उम्र की सीमा हो,
ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छूनो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ला 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 ला, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 ला, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या बेखुद क्या चीज है। बहुत ही थैंक यू सो मच, बहुत ही खूबसूरत अंदाज और बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भगवान करें आप खूब उन्नति करें और खूब आगे जाएं। संगीत का बहुत बहुत शुक्रिया। संगीत का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है और बहुत एक बड़ा समंदर है, और आप जैसे मोती उसमें चमक के निकले तो हमें बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझे आशीर्वाद भी दे सकती हैं, थैंक यू सो मच। और आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत दिनों बाद आज आपसे रूबरू मुखातिब हुआ हूँ फेसबुक के जरिए, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं हमेशा जब भी आपको मेरे गाने की जरूरत हो प्लीज मुझे आप एनी टाइम फोन कर सकती हैं, कभी भी मुझे बुला सकती हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपके हस्बैंड बहुत प्यारे इंसान है, उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ यहीं से, अगर वो देख रहे हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और मुझे बहुत अच्छा लगा देख रहे हैं। और क्योंकि टेक्निकली पूरा मेरा हैंडल सुमेंद्र जी हैंडल करते हैं, कि एक हस्बैंड एंड वाइफ की टीम। बहुत बहुत, मैं तो उनसे भी मुलाकात मेरी हो चुकी है, मैं बहुत बहुत अच्छा फील कर रहा था जब उनसे मुलाकात किया, बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। सुमेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, बहुत जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी आप लोगों से। अंशु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चलो थैंक यू सो मच जुबेर, थैंक यू सो मच।